गाइस तो फाइनली WWE मनी इन द बैंक पे पर व्यू का फॉलोआउट मंडे नाइट रॉ ओवर हो चुका है, जहां पर आज WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें WWE के वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन रिया रिपली उनका टाइटल नतालिया के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देती गई। और गाइस आज मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें नतालिया और रिया रिपली के बीच में करीबन 15 मिनट का ब्रूटल मैच देखने को मिला, जहां पर मैच के अंदर रिया रिपली जब उनका एंट्रेंस कर रही होती गई तो गाइस उसी समय नतालिया अटैक कर देती गई। और गाइस इसके बाद मैच के ओपनिंग के ऊपर ही नतालिया उनका शार्प शूटर यूज करके इस मैच को जीतने की कोशिश करती गई, बट गाइस यहां पर रिया रिपली रिंग साइड एरिया पर रोल अप कर जाती गई, जिसके बाद के रिंग साइड एरिया के ऊपर कमेंट्री टेबल पर हमें इन दोनों के बीच में ब्रॉल देखने को मिलता है। और गाइस कमेंट्री टेबल के रिंग साइड एरिया के ऊपर ही नतालिया हमें जर्मन सुप्लेस हिट करते हुए दिखाई देती गई, जिसकी वजह से रिया रिपली फ्लोर पर जाकर गिरती गई और गाइस रिया रिपली को काफी ज्यादा चोट लगती गई, जिसके बाद क्या WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर इन दोनों के बैक एंड फोर्थ हमें करीबन 13 मिनट का ब्रूटल मैच देखने को मिला, जहां पर 13 मिनट के ब्रूटल मैच के बाद नतालिया मैच के एंडिंग पर कंट्रोल में होती गई। और गाइस नतालिया पावर स्लैम और सॉफ्ट शूटर के साथ इस मैच को जीतने की कोशिश करती गई, बट गाइस यहां पर रिया रिपली रोप को छूकर मैच में ब्रेकअप कर देती गई, जिसके बाद की नतालिया फाइनली उनका एक और फिनिशर हिट करने की कोशिश करती गई, बट गाइस इस बार रिया रिपली काउंटर करते हुए किक और हेडबट हिट कर देती गई। और गाइस इसके बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर रिया रिपली के फिनिशर के साथ रिया रिपली नतालिया को बीट कर देती गई और गाइस रिया रिपली रिटेन करती है WWE का वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप।